अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में आपको बताती हूँ कि आप लोग अपना जो पाकी स्टोर का है वो अकाउंट किस तरह से रजिस्टर कर सकते हैं। मैंने जो इनकी वेबसाइट है वहाँ से अपने डेस्कटॉप पे ले आई है, वहाँ पे हम लोग चलते हैं। सो इट्स लोडिंग नाउ। अब यहाँ पे हम लोग आ गए हैं। यहाँ पे आपको फ्रंट पेज उसका शो होगा, जिसमें जो फर्स्ट नेम है वो आपके जिन्होंने आपको रेफ़र किया होगा उनका होगा। इट्स मीन आपके अप्लाइन का फर्स्ट नेम होगा। इसके बाद आपने एंटर करना है अपना फुल नेम। मेक श्योर कि आपने फुल नेम में स्पेस नहीं देनी है बिल्कुल भी। जो भी आपने नाम लिखे हैं, जो आपके आईडी कार्ड पे नाम है, आप लोग वो नाम लिखे और आपने नाम के बीच में स्पेस नहीं देनी है। फुल नेम के बाद आपने अपनी ईमेल एंटर करनी है, इसमें जो भी आपकी ईमेल है, ठीक है, जो वैलिड ईमेल है वो एंटर करनी है। जैसे मेरी जो है दिस वन इज़ माइन, और मैंने अपनी ईमेल एंटर कर दी है। आप लोगों ने अपनी ईमेल एंटर करनी है, अपना ही नाम लिखना है। इसके बाद आप लोगों ने यूज़र नेम में भी सेम नाम, जो फुल नेम में आपने नाम लिखा है सेम नाम आप लोगों ने लिखना है, और इसमें भी आप लोगों ने स्पेस नहीं देनी है। इसके बाद आप लोगों ने पासवर्ड चूज़ करना है, कोई सा भी पासवर्ड जो आप लोग चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी का पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट करना है पहले। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8, बट इट शुड बी अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। और फिर आप लोग जब री एंटर करेंगे पासवर्ड, तो आप लोगों ने वो करना है। और यहाँ पे पासवर्ड री एंटर करें, री एंटर की जगह पे, और यहाँ पे जो एंटर सिक्योरिटी पिन है, ये पिन आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी से कोई से भी 4 डिजिट्स या 5 डिजिट्स, कोई सा भी पिन आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी से जनरेट कर लेना है। इसके बाद नीचे कैप्चा दिया हुआ है, सेम कैप्चा यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है, और जिस तरह ऊपर उन्होंने जो जो स्मॉल लेटर्स और जो भी दिया होगा, ठीक है, तो ये सेम आप लोगों ने लिखना है। और इसके बाद आप लोगों ने ये एग्री करनी है इसकी पॉलिसी, और क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोगों का जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद दोबारा जब आप लोगों को जिस लिंक के थ्रू आप लोग इस वेबसाइट पे आए हो, दोबारा उस लिंक पे जाओगे और वहाँ पर जाके जो है दोबारा इस फ्रंट पेज पर आओगे, तो वहाँ पर लॉग इन का ऑप्शन, क्रिएट अकाउंट के बिल्कुल नीचे लॉग इन और फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन है। तो आप लोगों ने लॉग इन पर क्लिक करना है और अपना यूज़र नेम और पासवर्ड वहाँ पे एंटर करना और अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना है। तो आप लोगों का अकाउंट जो है पाकी स्टोर में रजिस्टर हो जाएगा। थैंक यू सो मच। इसके बाद ये कि आप लोगों ने पासवर्ड जो है अपने मोबाइल में सेव कर लेना है, पासवर्ड को याद रखना है। और दूसरी बात ये कि जब हम लोग बार बार इस वेबसाइट में आते हैं, तो आप लोगों को लॉगिन करने के लिए आप लोगों का यूज़र नेम और पासवर्ड चाहिए होता है। तो आप लोग जब अपने मोबाइल में सेव करके रखेंगे, तो आप लोगों को पुट नहीं करना पड़ेगा इसमें दोबारा से। और इस तरह आप लोगों को अपना पासवर्ड जो है वो याद होना चाहिए। और जिस तरह मैंने अपनी ये वेबसाइट को अपने डेस्कटॉप पे रखा है, आप लोग भी इन थ्री जो डॉट्स हैं इनको क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको डेस्कटॉप का ऑप्शन नज़र आएगा, थर्ड लास्ट जो है लाइन, वहाँ पे आप लोगों को क्लिक करके अपने डेस्कटॉप पे जाएं।